एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं बताने वाला हूँ, जैसे मेरे पास 150 बाइक पल्सर है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ झनर झनर कर रही है और बाइक मात्र 18,000 किलोमीटर चली हुई है। तो इस रीजन में टाइमिंग चेंज से इतना ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो पूरा हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं कि किस तरीके से टाइमिंग चेंज का आवाज़ बंद किया जाता है। और इतनी न्यू बाइक में इस तरीके से आवाज़ आ जाना ये कम बड़ी बात नहीं है, तो हमें डालना भी मुनासिब नहीं बुझाता है। तो चलिए हम इसे आज रिपेयर करके आपको दिखाते हैं और बिल्कुल साउंड को परफेक्ट करके दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं। संगीता से बात कर लीजिए ना। हाँ, संगीता से बात कर लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ से टेस्टनर को खोलना है और टेस्टनर खोलने के बाद यहाँ से हम जुगाड़ करेंगे, तब जाके इसका आवाज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ और आवाज़ को कंट्रोल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर एक नट को क्या करना पड़ेगा, बेल्ट करा देना है और उसके बाद जो है ये देखिए एडजस्टिंग जो है, अब ये इस तरीके से जब हम लगाएंगे तो ये स्पेस आ गया इसमें। अब क्या होगा, यहाँ से ये बिल्कुल टाइमिंग चेन टाइट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम रेसी बाउंड दे देते हैं साइड में, जो लीकेज ना करें, और इसको अब हम लगाते हैं इस तरीके से। अब मैंने नया पैकिंग लगा दिया है और अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, इसका दोनों बोल्ट को टाइट कर देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से एडजस्टिंग को खोल देंगे। और अभी एक नट होता है 10 नंबर का, इसको बंद कर देंगे। बंद नहीं करेंगे तो यहाँ से आवाज़ जो होता है एयर का आता है। चलिए बाइक को हम स्टार्ट मारते हैं और आपको फिर साउंड को सुनाते हैं। प्लस दबा एक बार स्टार्ट करके साउंड सुनाते हैं। अब बिल्कुल बेहतरीन साउंड हो गए, चीप एंड बेस्ट। तो चलिए अब इसका ऑयल वगैरह चेंज करना है, आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।